हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर, वेलकम टू माय क्लास। बेटा आज का मेरा टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। हम इस वीडियो में देखेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती है, कैसे सेग्रीगेशन करा जाता है, कैसे डिकम्पोज किया जाता है, और कौन से बिन या बैग में हमको कौन सा वेस्ट डालना है, और उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट के बाद फिर उसका आगे का प्रोसीजर कैसा रहेगा, वो सारी बातों को बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पता होना चाहिए आप लोगों को, और अधिकतर एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और वाइवा में भी पूछ लिया जाता है। इस तरीके के जो बेसिक क्वेश्चन है पता होना चाहिए आप लोगों को कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होता है, वो सारी चीज़ों के बारे में बेटा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको बिन्स दिख रहे होंगे इस स्लाइड में, ये देखिए आप, सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इन कलर कोडेड बैग्स। कलर कोडेड बैग्स में ये दिख रहा है आपको, सेग्रीगेशन करना है। एक्चुअली कलर क्यों है? कलर इज़ फॉर इंडिकेशन, आपके इंडिकेशन के लिए, बताने के लिए, इज़ अ इंडिकेटर मीडियम। ये बता रहा है कि इस कलर वाले बिन में आपको ये ही वाला वेस्ट डालना है, ये पर्टिकुलर जो वेस्ट है आप इस कलर वाले बिन में ही आपको डालना है ना। अगर हम इसका नाम रख देंगे तो अधिकतर लोग पढ़ नहीं सकते, है ना, समझ पा रही मेरी बात? अधिकतर लोगों को पढ़ना नहीं आता है, यानी कि जैसे जो इलिटरेट लोग हैं या जैसे लो क्लास के, मतलब लोग कैसे बोलना चाहिए, वर्कर्स हैं, जैसे कि कोई गांव का आ गया, उसको नहीं पता डालना, तो उसको ये रंग तो पता रहेगा यार, इस रंग के डब्बे में हमको ये वाला कचरा डालना है। तो इसलिए कलर इज़ अ काइंड ऑफ इंडिकेटर मीडियम, जिसमें आप कोई याद रहे आप डाल सको उसमें, है ना। तो इसमें येलो कलर का रहता है, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड इज एंड द लास्ट वन एंड द वन इज ट्रांसलूसेंट एंड ट्रांसपेरेंट कलर, वाइट कलर। वाइट कलर नहीं रहेगा उसका, ट्रांसपेरेंट रहता है वो, है ना, कलरलेस रहता है वो। तो इस तरीके के बिन्स पे हम डालते हैं, और हर बिन्स के हम सेग्रीगेशन के बारे में और डिकम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में कि कैसे कैसे जनरेट होता है, कौन कौन सा होता है, और किस किस का ड्यूटी है इन वेस्ट को अपने कैटेगराइज्ड बिन्स में डालने की, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग, हेल्थ केयर वेस्ट इंक्लूड्स ऑल वेस्ट जनरेटेड बाय हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स। हेल्थ केयर वेस्ट, हेल्थ केयर का जो वेस्ट है इंक्लूड्स, हेल्थ केयर में जो वेस्ट आता है उस पर कौन कौन से वेस्ट होते, जनरेटेड जो होता है, वेस्ट बनता है, निकलता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में से, तो काय काय में से आता है? हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स, रिसर्च फैसिलिटीज़ एंड लेबोरेटरीज, जितने भी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं इन सारों से क्या आता है, ये हेल्थ केयर वेस्ट जनरेट होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेस्ट प्रोड्यूस्ड इन द कोर्स ऑफ हेल्थ केयर अंडरटेकन इन द होम। और कहाँ इंक्लूड होता है ये और भी हेल्थ केयर वेस्ट? वहाँ पर भी जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपको घर पे दी जा रही है, जैसे कि डायलिसिस दे सकते हैं हम, इंसुलिन इंजेक्शंस एट्सेट्रा काइंड ऑफ मेडिकेशंस, जो घर पे ही जिसका ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी कैथेटराइजेशन है ना, और इंसुलिन लगा दिया जा, इंसुलिन लगाना या सलाइन लगा देना घर पे ही, ये सारे ट्रीटमेंट्स जो घर पे भी कभी कभी दिए जाते हैं, उन ट्रीटमेंट्स में भी जब ये वेस्ट जनरेट होता है तो घर से भी ऐसा हेल्थ केयर वेस्ट निकलता है, ठीक है। बिटवीन 70-95% ऑफ वेस्ट जनरेटेड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज जनरल। 75-90% जो वेस्ट बेटा बनता है, मतलब निकलता है घरों, वहां से, जगहों से, हेल्थ केयर फैसिलिटीज से, वो जनरल होता है और नॉन हैजार्डस वेस्ट में आता है। कैसा होता है वो? जनरल होता है और नॉन हैजार्डस वेस्ट में आता है, यानी कि नुकसान वाला वेस्ट नहीं होता है। 75-90% वेस्ट। इट इंक्लूड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग, और ये इंक्लूड होता है वेस्ट जब जनरेट होता है, निकलता है वहां से बन के, ड्यूरिंग किस समय? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कुछ कचरा निकल रहा है, ऑफिस में से कचरा निकल रहा है, हाउसकीपिंग एक्टिविटीज, हाउसकीपिंग यानी साफ सफाई कर्मचारी जहाँ से वेस्ट निकाल के लेकर आ रहे हैं, वहाँ पे किचन एंड फूड रिलेटेड फैसिलिटीज में, है ना, किचन में से आ रहा है, फूड रिलेटेड फैसिलिटीज में आ रहा है, खाना है, नैपकिन्स है, टिश्यूज है ना, बॉटल्स हैं, कप्स हैं, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं,
डिस्पोजेबल स्पून्स हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें, कोई सैशे है, पैकेट है, रैपर है, इस तरीके की चीज़ें, ये कहाँ से निकल के आ रही है? किचन से, फूड से, कैंटीन से, पैकेजिंग वेस्ट आ रहा है, रैपर्स हैं, स्क्रैप्स हैं पूरे, और मेंटेनेंस फंक्शंस, इन सारी चीज़ों से आता है आपका 75 to 95% जो कि जनरल और नॉन हजार्डस वेस्ट होता है ना। ऑफिस से क्या आएगा? ऑफिस से पेपर आएगा, टिश्यू आएगा, हाँ वो डिस्पोजेबल कप्स हो सकते हैं चाय के लिए, इस तरीके से प्लास्टिक हो सकता है, कुछ भी पिंस हो सकती हैं, इस तरीके की चीज़ें कहाँ से? ऑफिस में से अधिकतर निकल के आती है, प्लास्टिक्स हो सकते हैं ना, पेपर्स हो सकता है, रद्दी है ना, कुछ भी फाड़ा हुआ, कुछ भी कचरा हो सकता है, ये सारा चीज़ें ऑफिस में से, और इस तरीके की चीज़ें कहाँ से आती हैं? इन सारे पॉइंट्स में से हमने जो 5 पॉइंट देखे, इनमें से निकल के आता है जो कि 75 to 95% वेस्ट जनरल होता है, नॉन हजार्डस होता है ना, ये वेस्ट पर हम हजार्डस वेस्ट की भी डिस्कशन करेंगे। ओनली 10 to 25% ऑफ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ पेशेंट्स केयर इज हजार्डस, यानी कि पेशेंट केयर, यानी कि जो पेशेंट एडमिटेड है उस पेशेंट के केयर करते हुए जो वेस्ट जनरेट होता है बेटा, वो वेस्ट 10 to 25% वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो कि हजार्डस, नुकसान करने वाला वेस्ट होता है, ठीक है, खतरनाक वेस्ट होता है। इन नेचर एंड कैरियर कैरीज वेरियस हेल्थ रिस्क, और इसमें क्या होता है, वेरियस हेल्थ रिस्क इंक्लूड होते हैं इस हजार्डस वेस्ट में। दिस हजार्डस और बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड्स, और ये जो हजार्डस और बायोमेडिकल वेस्ट है इसमें इंक्लूड होते हैं बेटा, कौन कौन से होते हैं? इन्फेक्शियस वेस्ट कल्चर्स, है ना, जो कल्चर मीडियम निकलता है, इन्फेक्शियस वेस्ट कल्चर्स रहता है, शार्प ट्रेडल्स रहते हैं, शार्प कुछ भी इक्विपमेंट हो सकता है, पैथोलॉजिकल वेस्ट है ना, लेबोरेटरीज में जो पैथोलॉजिकल वेस्ट आ रहा है वो, पैथोलॉजिकल यानी कि डिसीज कॉजिंग वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट भी हो सकता है, जीनोटॉक्सिक वेस्ट, केमिकल एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सब वेस्ट जो निकल के आता है हेल्थ केयर फैसिलिटीज से, इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड फार्मास्यूटिकल लैब्स, और जो भी जगह पे आ रहा है जीनोटॉक्सिक, केमिकल और रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये सारा वेस्ट जो निकल के आता है वो कौन सा होता है? ये वेस्ट आते हैं बेटा हजार्डस वेस्ट के अंदर, ठीक है। अप्रॉक्स 250 ग्राम बायोमेडिकल वेस्ट इज जनरेटेड पर बेड एट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हर बेड से अप्रॉक्स 250 ग्राम वेस्ट निकल के आता है, विच इज हजार्डस एंड रिक्वायर्स फर्दर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। कौन सा बेटा? हजार्डस वेस्ट कम से कम 250 ग्राम्स आता है ना, बाकी तो जो कचरा कूड़ा कर रहे हैं वहाँ पे पेशेंट्स वो अलग है, यानी खाने खा के जो भी रैपर्स वहीं फेंक देना, फ्रूट्स छोड़ देना वहीं पे, और जो भी अपना खाने पीने का सामान, अपना जो भी वो यूज़ कर रहे हैं टिश्यू वहीं फेंक देना, वो सारी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ मैं, हजार्डस वेस्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे कि निडल्स, सिरिंजेस, टैबलेट्स, रैपर्स, टैबलेट्स के, ये सारी चीज़ें कहाँ आएगी? जो 250 ग्राम्स है उसमें पर बेड से, ये अप्रॉक्सीमेटली लगभग बोल रहा हूँ, ये मतलब मेरे पॉइंट को एकदम लेके मत बैठ जाना, सर आपने तो 250 बोला है, हमने तो 300 ग्राम निकाला था वहाँ पे वेस्ट, ऐसा नहीं है बेटा, है ना, ऐसा मत पॉइंट लेके चलना। अप्रॉक्स का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, यानी लगभग, अब लगभग में उससे कम भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। पर बेड एट द हेल्थ केयर फैसिलिटीज विच इज हजार्डस एंड रिक्वायर्स फर्दर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल, जिसमें कि रिक्वायर करता है, ये ज़रूरत होती है इसको आगे इसके ट्रीटमेंट की, फर्दर ट्रीटमेंट यानी आगे होने वाले इसके ट्रीटमेंट और उसका डिस्पोजल करना, किस तरीके से उसका हमको ट्रीटमेंट देना है उसको, वो सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती है। देयरफॉर टोटल क्वांटिटीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड एट डिफरेंट फैसिलिटीज इन द स्टेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज इज एस्टिमेटेड एट, और जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, जनरेट होता है हर फैसिलिटीज से, उसका जो एस्टिमेशन है वो इतना होता है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स यानी कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िले में जो हॉस्पिटल है, उन हॉस्पिटल की बात, हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात नहीं कर रहे, हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एवरेज में हर 100 बेड्स में से, हर 100 बेड में से 25 kg वेस्ट निकलता है पर डे, यानी कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में से 100 बेड में से अगर इंक्लूड किया जाए तो इन 100 बेड में से 25 kg हजार्डस वेस्ट निकलता है पर डे, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में से
जिसमें कि 30 बेड्स होते हैं, 30 बेड्स में से 7.5 ग्राम यानी 7.5 किलो वेट निकलता, किलो वेस्ट निकलता है पर डे, पर डे के हिसाब से इतना वेस्ट जनरेट होता है, हजार्डस वेस्ट। ठीक है, वेयर इज बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हुए आगे पॉइंट्स बनाए हैं तो जिसपे आपको चीज़ें क्लियर होंगी कि हम मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ वेयर इज बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड, यानी कि बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ जनरेट हो रहा है, कहाँ बन रहा है, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। विद इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज डिफरेंट वर्क एरियाज जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में डिफरेंट वर्क एरियाज में यानी अलग अलग काम करने वाली जगहों पे डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, वहाँ पे अलग अलग काम करने वाली जगहों पे अलग अलग बायोमेडिकल वेस्ट बनता है। यानी कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे जहाँ पे भी हेल्थ केयर वहाँ पे होता है, वहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग काम करने की जगहों पे अलग अलग टाइप का बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। ब्रॉडली वेस्ट इज जनरेटेड इन ऑपरेशन थिएटर्स, और वेस्ट कहाँ पे बनता है, ऑपरेशन थिएटर में से जो वेस्ट निकल रहा है, सर्जिकल वार्ड्स में से निकल रहा है, मेडिकल वार्ड्स, लेबोरेटरीज, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल स्टोर्स एंड डेंटल क्लिनिक्स, इन सारी जगहों में से क्या निकलता है, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। बात समझ में आ रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज में से कहाँ कहाँ से होगा, ऑपरेशन थिएटर्स में से जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, सर्जिकल वार्ड्स जहाँ पे सर्जरी होने के बाद उस वार्ड में शिफ्ट किया गया है उस पेशेंट को, तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ वेस्ट निकलेगा। मेडिकल वार्ड्स है ना, जहाँ पे कि जनरल पेशेंट्स शिफ्ट हैं, जहाँ पे ऑपरेटेड पेशेंट्स नहीं, जनरल पेशेंट शिफ्ट हैं, मेडिकल वार्ड्स। लेबोरेटरीज जहाँ पे क्या हो रहा है, चेकअप्स हो रहा है, आपका इन्वेस्टिगेशंस हो रही है। फार्मास्यूटिकल्स फार्मेसीज में से भी निकल रहा है, रैपर्स, प्लास्टिक्स और बैग्स जो भी निकल रहे हैं वहाँ पे। केमिकल स्टोर्स में से निकल रहा है, जहाँ पे भी केमिकल स्टोर्स में जहाँ पे हम यूज़ करते हैं चीज़ें फैसिलिटीज लेने के लिए। एंड डेंटल क्लिनिक में से भी क्या निकल रहा है, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हो रहा है, निकल रहा है, जो भी इस्तेमाल होकर। वेस्ट क्या है, वेस्ट वो चीज़ होती है जो कि आपने इस्तेमाल कर दिया है और करने के बाद अब वो गंदी हो गई है वो चीज़, और अब वो इस्तेमाल करने लायक नहीं है, वही चीज़ अब वेस्ट बन जाती है, यानी कि अब ये चीज़ इस्तेमाल करने लायक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे हाथ में एक टिश्यू है, टिश्यू से मैंने मुंह पोछा, ना स्नीज किया और फेंक दिया, अब वो क्या कोई दूसरा इस्तेमाल कर सकता है क्या, मैंने तो उसको कंटेमिनेट कर दिया है, गंदा कर दिया है। ऐसी चीज़ जो रीयूजेबल ना हो वो निकल जाती है वेस्ट में, है ना। हाँ, पर ऐसी चीज़ भी वेस्ट में ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो रीयूजेबल होती हैं। रीयूजेबल कब होती है, जब वो रिसाइकल कर दे, समझ में आ रही मेरी बात। ऐसी वेस्ट जो कि रिसाइकल्ड हो जाए, यानी कि फैक्ट्रीज में जाकर प्लास्टिक नीडल्स इस तरीके की जो वेस्ट है, नीडल्स नहीं बोलूँगा, प्लास्टिक या ग्लास, कांच का या प्लास्टिक की चीज़ें जो कि रिसाइकल हो जाती हैं फैक्ट्रीज में जाकर, वापस उसकी वॉशिंग होकर, डिसइंफेक्शन होकर, और डिसइंफेक्शन होने के बाद उसको वापस पिघलाकर बनाया जाता है, वो फिर जब दोबारा आपके पास आता है तो वो क्या हो जाता है, रीयूजेबल हो जाता है। तो इस तरीके से वेस्ट रीयूजेबल भी होता है। बताने का मतलब ये है आपको कि बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट कहाँ होता है, तो ये सारी जगह पे जनरेट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाई शुड बायोमेडिकल वेस्ट बी सेग्रीगेटेड, ट्रीटेड एंड डिस्पोज्ड। क्यों बायोमेडिकल वेस्ट को हमको सेग्रीगेट यानी अलग अलग करना पड़ता है, उसको ट्रीट करना पड़ता है, और ट्रीट करने के बाद उसको डिस्पोज करना पड़ता है, तो ये सारी चीजें हमको क्यों करना चाहिए। एनीवन हु आइदर जनरेट्स, कोई भी जो जनरेट करता है यानी बनाता है, हैंडल करता है, हैंडल्स और डिस्पोजेस, और डिस्पोज करता है बायोमेडिकल वेस्ट को, बीएमडब्ल्यू को, और कम्स इन कॉन्टेक्ट ट्यू ड्यू टू एक्सीडेंटल एक्सपोजर इज एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जो भी इसको बना रहा है वेस्ट को, हैंडल कर रहा है उस वेस्ट को, और डिकम्पोज कर रहा है उस बायोमेडिकल वेस्ट को,
कॉन्टैक्ट में आ रहा है एक्सीडेंटली अगर इस वेस्ट के, तो ये एक्सपोज टू द रिस्क और इन्फेक्शन। ये जो पर्सन है जो भी इन सारी चीज़ों से होकर गुजर रहा है वो हाईली रिस्क पर रहता है इन्फेक्शन से, क्योंकि जो भी चीज़ें निकल रही है आपकी बॉडी से वो कंटेमिनेशन होकर निकल रहा है, वो इन्फेक्शियस, वो कंटेजियस होकर वो निकल रहा है, तो उससे आपको किसी तरीके का भी इन्फेक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है बहुत कोरोना, है ना, तो किसी ने भी उस चीज़ को छू लिया तो वो क्या है, कोरोना के वायरस उस पर आ गए हैं। अब वही किसी ने छू लिया तो उसके वायरस वो खुद ले लेगा, इस तरीके से क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें कंटेमिनेटेड होती जाती है ना। द की रिस्क ग्रुप्स इंक्लूड, जो की रिस्क ग्रुप्स हैं यानी कि ऐसे महत्वपूर्ण जो ग्रुप्स हैं, समूह हैं जो कि हाईली रिस्क में आते हैं इन्फेक्शन के बायोमेडिकल वेस्ट के द्वारा, ये हाईली रिस्क में आते हैं इन्फेक्शन के, तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं, वो ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो कि हाईली रिस्क में रहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के, वो होते हैं मेडिकल डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर ऑक्सिलरीज यानी हेल्थ केयर में जितने भी फिर आ जाते हैं लोग आते काम करने वाले, हॉस्पिटल मेंटेनेंस पर्सोनल यानी कि मेंटेनेंस करने वाले, हॉस्पिटल का देखरेख करने वाले ऐसे लोग, विजिटर्स टू हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स यानी जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनी हुई हैं वहाँ पे जो लोग विजिट करने आते हैं वो लोग, और रिसीविंग होम केयर, और ऐसे लोग जो कि होम केयर दे रहे हैं, है ना, रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, होम केयर यानी कि घर पे जाके जिनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, या पे या तो जो लोग घर पे मौजूद हैं और जहाँ पे उनको आके ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वहाँ पे जो वेस्ट बन रहा है, तो दोनों ही खतरे में हैं। वर्कर्स इन सपोर्ट सर्विसेज अलाइड टू हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स सच एज, हाँ, ऐसे वर्कर जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज से जुड़े हुए हैं उनको सर्विस दे रहे हैं, जैसे कि कैंटीन्स हो गई, है ना, कैंटीन्स हॉस्पिटल में आ रहे हैं, एक्सपोजर में आ रहे हैं इन्फेक्शन के, है और कौन कौन से सच एज लॉन्ड्रीज कौन से हॉस्पिटल, जैसे चादर, तकिया, आपका बेडशीट्स हो गए, पिलो कवर्स हो गए, और जो भी वहाँ पे क्लॉथिंग मटेरियल है, और जो यूनिफॉर्म्स हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो दी जाती है यूनिफॉर्म्स पहनने के लिए, एप्रन हो गया, जो भी मास्क हो गए, है ना, हेड कवर करने के लिए चीज़ें हो गई, ये सारी चीज़ें लॉन्ड्रीज में धुलती हैं जाके, है ना, तो ये लोग भी क्या होते हैं, इससे एक्सपोज होते हैं, रिस्क में आते हैं। वेस्ट हैंडलिंग स्टाफ्स एंड ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग एंड वर्कर्स इन वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज, और वो वर्कर्स जो वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटीज़ में हैं, यानी जो कि वो वर्कर्स जो कि इस वेस्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो वर्कर्स भी क्या होते हैं, हाई रिस्क में होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट में, सच एज लैंडफिल्स और CBWTF इंक्लूड स्कैवेंजर्स, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं रिस्क फैक्टर्स में, ये सारे लोग आते हैं बायोमेडिकल वेस्ट के। तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या समझा, हमने बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में देखा बेटा, हमने ये क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा, कौन कौन सा वेस्ट कितना हजार्डस होता है, कितना नॉन हजार्डस होता है, हजार्डस में कौन सा आता है, नॉन हजार्डस में कौन सा आता है, और हमको वेयर इज और बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ जनरेट होता है हमने समझा, और हमको बायोमेडिकल वेस्ट कैसे सेग्रीगेट होता है, कैसे ट्रीटमेंट और डिस्पोज होता है, हमने ये इस पर हमने इतना पॉइंट देखा है अभी कि बायोमेडिकल वेस्ट में रिस्क ग्रुप्स कौन से होते हैं, वो चीज़ें हमने देखी। आगे हम रिस्क ग्रुप्स के जो चीज़ें हैं रिस्क ग्रुप्स में और समझेंगे, और इसका फिर सेग्रीगेशन देखेंगे, ट्रीटमेंट और डिकम्पोज देखेंगे कि कैसे डिस्कम्पोज होता है, ये सारी चीज़ें एक चार्ट के द्वारा मैं सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। अभी ये लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैं आपको इसको यहाँ पे अभी स्टॉप कर रहा हूँ। अब इसका आने वाले जो और भी वीडियोज़ रहेंगे उसमें पॉइंट वाइज सारी चीज़ें समझते जाएंगे, तो इस वीडियो में अब यहीं क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझ में नहीं आया तो इसको और एक बार और रिपीट करके देख लीजिए आप, ठीक है।